लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी बिहार के वैशाली जिला के महनार स्टेशन पर हूँ। महनार स्टेशन पर इसलिए हूँ कि मैं जब हाजीपुर से लेकर के बछवाड़ा तक जब ट्रेन से सफ़र किया तो मुझे यहाँ पर रेलवे गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत बड़ा फॉल्ट दिखा। इतना बड़ा फॉल्ट है कि उस फॉल्ट में तकरीबन कभी भी किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। कभी 10 लोगों की जान जा सकती है, 5 लोगों की जान सकती है, कभी भी जान जा सकती है। लेकिन इस बात को सरकार इतना नज़रअंदाज किए हुए हैं जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब मैं स्टेशन मास्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये बड़े लोग बड़े साहब का जिम्मेवारी है, ऊपर से ये ऑर्डर आता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म चालू किया जाता है तो उस चालू प्लेटफॉर्म को चालू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पैसेंजर है वो 2 नंबर और 3 नंबर पर कैसे जाएगा। लेकिन रेलवे गवर्नमेंट ने अपनी खाता पूर्ति पूरी करने के लिए, अपने टारगेट को पूरी करने के लिए रेलवे को ट्रेन को स्टार्ट कर दिया कि हमारी पॉइंट, हमारी नंबर बढ़ जाए सरकार के नज़र में। लेकिन उससे पहले फुटब्रिज जो बनना चाहिए था, हमारे पीछे आप देख रहिएगा जो फुटब्रिज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अब मेरे स्क्रीन पर भी आप देखिए कि लोग जो है 2 नंबर और 3 नंबर पर जाने के लिए नीचे से उतरते हैं और तब जाके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये घटना अनहोनी कभी भी हो सकती है। मान लिया कोई जवान लड़का है, कोई जवान आदमी है तो किसी तरह जा सकता है, लेकिन जो 60+ है, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है वो जा नहीं सकता है, जो बूढ़े लोग हैं वो कैसे जाएंगे उस पार, जो बूढ़े लोग अकेले आते हैं वो कैसे जाएंगे। बारिश का समय हो गया, पैर स्लिप कर सकता है, पैर टूट सकता है, या कोई गाड़ी आ सकती है तो टूट सकता है, गाड़ी आ सकती है तो किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। जस्ट ये सिर्फ महनार स्टेशन की बात नहीं है, आपको बता दें कि हाजीपुर से लेकर के बछवाड़ा तक जो स्टेशन है, अगर बछवाड़ा से बात करें तो विद्यापति, हरपुर बोछा, नंदनी लगुनिया, महनार, सहदेई बुजुर्ग, चकसिकंदर और चकमकरन, ये 7 स्टेशन पर 2 नंबर 3 नंबर चालू है लेकिन फुटब्रिज चालू नहीं है। ये बहुत बड़ा सरकार का गैर जिम्मेदाराना काम है जो पब्लिक के हाथों, पब्लिक को मौत के मुंह में धकेलने का काम करता है। ये बताइए कि 2 नंबर और 3 नंबर चालू है प्लेटफॉर्म, ट्रेन उस पर आती है, तो पब्लिक कैसे जाएगा उस पर, कैसे जाएगा, पार करके जाना पड़ेगा। तो पार करने में दुर्घटना नहीं है? दुर्घटना तो है ही है। तो पहले क्या होना चाहिए, सुविधा काम होना चाहिए, यही सब बनना चाहिए, आने जाने वाला तब फुटब्रिज बनना चाहिए। हाँ, तो किसी गलती है? गलती पब्लिक लोग के हैं, सरकार लोग को भी काम तो, पब्लिक का क्या गलती है इसमें, पब्लिक गलती है ना, सरकार लोग भी अभी ये सब किए हैं, सरकार का भी सब काम होता है, तब धीरे धीरे कोई भी काम हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, तो पहले फुटब्रिज बना के देना चाहिए था ना। हाँ, तो गलती काम की है, हर जगह तो यही काम होते हैं, पहले ब्रिज बनना चाहिए उसके बाद ये सब काम होना चाहिए, ये सब हो नहीं रहा। किसका गलती है? सरकार का गलती हुआ। अगर आप लोग कैसे जाते हैं उस पर, लेडीज होकर के जाते हैं, तरफ के जाते हैं, तो कुछ दुर्घटना नहीं हो सकता है? होता है ना। हुआ है कि नहीं अभी तक? हुआ है। क्या हुआ है? जाने आने में दिक्कत होता है, चढ़ने में दिक्कत होता है, गिर जाते हैं लोग। हाँ। बारिश का समय होगा तो क्या होगा, उसमें भी दिक्कत है। 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म चालू है। हाँ। लेकिन वो फुटब्रिज नहीं है। हाँ। तो क्या होना चाहिए पहले? रेलवे पार होकर पत्थर पर चढ़कर 2 नंबर में जाए चढ़े ला। हाँ। एक माने सीढ़ी हो के चाहिए, माने पुल बने के चाहिए। हाँ। तब ना आदमी पार होता है। हाँ। तो गलती केकर है? सरकार के। अगर ये पुल से लोग नीचे से जा रहा है लोग, तो क्या हो सकता है, कुछ रेलवे आ गया तो घटना होगा, खतरा ना है जन पुल पर, रेलवे पर। और आपके जैसे लेडीज कैसे जाएगी नीचे से ऊपर, कैसे जाएंगे अपने चढ़ते रहे को आदमी लांगर आदमी। हाँ। तो हमसे कहे थे कैसे ऊपर चढ़ती आदमी लांगर होकर, आप हल्ला वाला नहीं करते हैं? तो हम से हल्ला कह की करबे, इतने सारथी आदमी ना हल्ला करते हैं, हमरे से हो जाते एगो आए बूढ़ा आदमी केना पार होते, उनमें अगर आ गए जल्दी गाड़ी तो तब खतरा हो गए आदमी के, बच्चा चढ़ल बच्चा आ गए गाड़ी तो खतरा हो गए। की मतलब किकर गलती है? सरकार की गलती है। और पास में आ जाना, क्लोज में आ जाता है, सरकार की गलती है ना, पब्लिक की गलती है, उनका तो जे कहता थे ना खतरा हो जाए, जे हो पार होते वो नहीं है, वो जाए के हैते हैं, हैते है चाहे जे ना हो, उनका आप जे करे के हैं से करते हैं। तो सरकारी गलती है, पहले फुटब्रिज बना रहे थे ना। हाँ, सरकार आदमी है 60 बस को हमें मर तैयार की करते हैं, मर जाते तो अब जर जुआ नहीं तो तरफियो होता है, बूढ़ पुरानी अकेले तो दिक्कत होती है, तो
ठीक। फिलहाल हम लोग तो अभी कंप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर को दिखाई देना चाहिए पहले क्या चालू करना चाहिए, दो नंबर चालू करें या तीन नंबर करें या फुल चालू करें। मर जाएंगे तो लोग पॉलिटिक्स करने आएंगे जी। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ स्टेशन मास्टर से हैं, मनहार के रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, और इन पर दलील लूँगा कि क्या वजह है कि प्लेटफॉर्म बना नहीं है, फुटब्रिज बना नहीं है, और पहले क्या होना चाहिए। सर ये बताइए कि जब दो नंबर तीन नंबर चालू करते हैं तो पब्लिक कैसे जाएगा इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म? पब्लिक को जाने में तो कठिनाई है, लेकिन ओवर ब्रिज जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो पब्लिक के सेफ्टी से, आप लोग पब्लिक के लिए है, रेलवे पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दो नंबर चालू करना चाहिए था या फुटब्रिज चलना बनना चाहिए था? सब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, सब ऊपर से डिसाइड। ठीक है, डिसाइड ऊपर से होता है, लेकिन आप पार्ट ऑफ मेंबर हैं ना रेलवे के, पार्ट ऑफ मेंबर है, कर्मचारी है, कोई घटना घट जाएगी तब जाकर के नींद खुलेगी आप लोग की। ये घटना होने की संभावना कितना परसेंटेज हो बताइए? घटना तो हो ही सकती है, घटना होने की परसेंटेज एक भी परसेंट आप कम कर सकते हैं? लोग, ये ग्रामीण क्षेत्र का रूट है, और ग्रामीण क्षेत्र के रूट में पब्लिक जो है ना, जब ट्रेन रेलवे आती है, ट्रेन आती है, तो ऐसे ही अफरा तफरी मच जाता है, उतना कंसर्न नहीं रहते हैं। ठीक है नहीं बन रहा है, लेकिन उनको ये भी नहीं रहेगा उधर से देखेंगे ट्रेन पकड़ना है, उधर तो कोई गाड़ी आ गया कुछ आ गई तब क्या होगा? पब्लिक अपना जो है खुद सतर्क रहता है, लोग अपना खुद पर क्या नहीं, नहीं पब्लिक सतर्क रहेगा, वो अपने हिसाब से सतर्क, लेकिन गवर्नमेंट का क्या रोल है, रेलवे का क्या रोल है? बनवा नहीं रही गवर्नमेंट तो, बनवा ही नहीं। और ये एक नहीं, कल लगभग 7 स्टेशन पे यही हाल है, यहाँ हमने 7 स्टेशन को नोटिस किया आपका, ये विद्यापति से लेकर के हाजीपुर तक, तो 6 से 7 स्टेशन में फुटब्रिज नहीं बना है, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर चालू है। फुट ओवर ब्रिज तो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको पता ही है। ये कब तक बन जाएगी? अब तक ढलाई हो रहा है, उसके बाद में चांसेस बताइए ना। 1 से 2 महीने में बन जाएगा, 1 से 2 महीने बन जाएगा। कि जस्ट मनहार के बाद आप पटोरी में जाएंगे, जब बिद्यूपुर के रास्ते से बछवाड़ा की तरफ जाएंगे, तो मनहार के बाद एक स्टेशन के बाद पटोरी स्टेशन है, वहाँ पर फुटब्रिज है, और वहाँ पर रेलवे गवर्नमेंट ने एक नोटिस बोर्ड भी लगा कर रखा है, तो यात्रीगण है, यात्रीगण कृपया करके फुट ब्रिज का उपयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, नीचे से या पैदल होकर के नीचे से उतर कर मत जाए। एक तरफ पटोरी में ये एक नोटिस दे करके यात्री को खबर दी जाती है, यात्री को सूचित किया जाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और फुट ब्रिज का उपयोग करें, बल्कि दूसरे तरफ 7 स्टेशन पर फुटब्रिज बना ही नहीं है, तो इस गलती का दोषी कौन होगा? जब किसी की मौत हो जाएगी तब सरकार की नींद खुलेगी। मैं शंभू कुमार, मनहार, कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की।